हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पेन किलर्स पेन किलर्स मतलब कि ऐसे मेडिसन्स के जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द पेन सेंसेशंस कि जब किसी भी पर्सन को किसी भी तरह का अलग अलग जब पेन होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसके सेंसेशंस को कम करने के लिए हम पेन किलर्स वगैरह को यूज़ करते हैं तो पेन किलर्स को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है एनालैसिक मेडिकल टर्म्स के अंदर जो पेन किलर मेडिसिन होती है उनको कहा जाता है एनालैसिक और स्पेशली वो यूज़ होते हैं ट्रू ट्रीट द पेन सेंसेशन। तो पेन किलर्स की जो मेडिसिन है उसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे हम देखें तो टैबलेट या फिर कैप्सूल के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं टैबलेट फिर आ, उसके अब लेटेस्ट वर्जन के अंदर जो एरोज़ोल हम कहते हैं एरोज़ोल स्प्रे उसके अवेलेबल है प्लस जेल तो फेमस ही है एज वेल एज ऑइंटमेंट वग़ैरह भी उसके अवेलेबल होते तो जेल ऑइंटमेंट इवन कुछ जो एनालिसिक्स है वो इंजेक्शन की जो पेरेंट रली भी पेशेंट को दिए जाते हैं तो ये था पेरेंट्रल्स की जिसके बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर अवेलेबल है फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप यूजर है तो उसको गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए एंड अगर आप एप्पल आईफोन यूजर है तो उसको ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिसको हम कहते हैं पेन किलर्स तो एन एनालिक और पेन किलर इज एन एनी मेम्बर ऑफ द ग्रुप ऑफ द ड्रग यूज टू अचीव तो एनालिया इट मीन्स रिलीफ फ्राम द पेन तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनालजेसिया ये वर्ड जो है वो यूज होता है एनालजेसिया इट मींस रिलीफ फ्राम पेन और एनालजेसिया पर से ये मेडिसिन का जो नाम पड़ता है वो है एनालैसिक सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट फॉर यू कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि व्हाट इज द एनालजिसिक पेन किलर सबको पता होता है कि समझो कि पेन किलर करके पूछा है क्वेश्चन तो इजीली वो आंसर दे देंगे बट एनालिस्क वर्ड जो है वो बहुत कम पता होता है या फिर एनालजिस्टिक का प्रॉपर मीनिंग जो है उनको नहीं पता होता तो एनालजिसिक मतलब कि ऐसे मेडिसिन की जो यूज करते हैं हम टू अचीव एनालजेसिया और एनासिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है रिलीफ फ्रॉम द पेन अब जो पेन है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स के पेन होते हैं कि लाइक कि हमें स्टमक पेन हो रहा है हेड एक हो रहा है कि वो भी एक टाइप का पेन है मसल्स के अंदर कोई पेन हो रहा है तो नंबर ऑफ की इवन एबडोमिनल पेन होता है पीरियड्स uh, के दौरान पेन होता है इवन कोई इंजरी हुई है तो उसके कारण भी हमें पेन होता है तो बहुत सारे अलग अलग पेन सेंसेशन जो है वो हमारे बॉडी को होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे नर्वस सिस्टम के कारण तो जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसके जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो होती है उसमें जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमें पेन के सेंसेशन देती है कि समझो कि आप कोई हॉट सरफेस पे टच कर लेते हो और उसके कारण आपको जो कोई पेन होता है तो तुरंत आप वहाँ से अपना हाथ ले लेते हैं बट उसके बाद भी आपके बॉडी के अंदर जो इंजरी हुई है उसके कारण जो पेन होता है वो सेंसेशन हमारे ब्रेन को पता चलता है और जो पेन के जो हमें सेंसेशन होते हैं ड्यू टू द ब्रेन की जो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन की ओर जाती है और वो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं अलग अलग न्यूरॉन अलग अलग न्यूरॉन्स कि जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन कि ह्यूमन एनाटॉमी जब आपने पढ़ी होगी और उसके अंदर जब नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर डिटेल में स्टडी किया होगा तो वहाँ पे एक आता है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है वो हमारे अलग अलग सेंसेस को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन पार्ट है वहाँ तक पहुँचाती है और उसके कारण हमें पता चलता है अलग अलग सेंसेशंस का और उसमें एक सेंसेशन है वो है पेन सेंसेशन कि जब हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारी नर्वस सिस्टम को पता चलता है तो ही हमें पेन का एहसास होता है सेंसेशन होता है वरना समझो कि कोई पर्सन की नर्वस सिस्टम प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करती तो उसमें इवन उसको पेन होता हो तो भी पता नहीं चलता बिकॉज कि उसका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता तो कुछ पेन किलर्स मेडिसिन ऐसी है कि जो डायरेक्टली हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो है वो टारगेट करके पेन सेंसेशंस का जो है वो रिड्यूस करती है कि एनालिस ऐसी ड्रग्स है कि एक्ट इन वेरियस वे ऑन पेरिफेरल एरवेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट पड़ते हैं एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड में से निकलने वाली ऑल पेरिफेरल जो नर्व है पेरिफेरल नर्व्स इसके अंदर इंक्लूड होती है तो जो भी हमारी ये एनालिटिक ड्रग्स है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग अलग तरीके से तो उसके कारण जो भी पर्सन है उसको पेन सेंसेशन जो है वो रिड्यूस होती है जिसके कारण ये मेडिसिन को हम कहते हैं कि पेन रिलीफ पेन में से हमें देती है रिलीफ कि पेन रिलीफ करती है पेन को रिड्यूस करती है पेन को किल करती है जिसके कारण उसको पेन रिलीफर रिलीवर्स भी कहा जाता है पेन रिलीफ कहा जाता है पेन रिड्यूसर्स कहा जाता है पेन किलर्स एंड जो उसका साइंटिफिक वर्ड है मेडिकल टर्म्स के अंदर वो है एनालिस्क और

दोनों अलग बात है बिकॉज पेनास्थीटिक्स जो है वो यूजली सर्जरी के दौरान यूज करते हैं हम कि वो क्या करते हैं वो इफेक्ट होती है टेम्पररी इफेक्ट एनालिसिक्स जो है वो टेम्पररी नहीं होते उनकी इफेक्ट की जो आप प्रॉपर कोई टाइम ड्यूरेस के लिए या फिर समझो कि एक, एक टैबलेट ली है तो आपको 24 फोर आवर्स तक उसके में से आपको प्रॉपर सेंसेशन पेन जो है वो कम हो रहा है तो एनास्थेटिक्स जिस हम सर्जरी के दौरान देते हैं कि वो पेशेंट को कम्प्लीटली अनकॉन्सियस कर देता है कि जिससे उसको पता नहीं चलता या फिर उसको पार्शियली हम अनकॉन्सियस करते हैं कि उसका कुछ पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली इफेक्ट हो सो जाता है कि उसको कुछ भी पता नहीं चलता वो पार्ट पे तो वो एक अलग बात है एनास्थेटिक्स एंड एन पेन किलर से एक अलग चीज़ है तो दोनों के बीच में बहुत सारा अलग अलग डिफरेंस है तो हाउ द पेन किलर्स आर वर्क अभी जो मैंने समझा है कि डिफरेंट पेन किलर्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं। डिफरेंट पेन किलर्स वर्क इन ए डिफरेंट वे एंड नॉन स्टेर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एस आईबूब्रोफेन देन द एस्पिरिन वर्क बाय चेंजिंग द वे ऑफ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू पेन एंड स्वेलिंग कि जब हमारे बॉडी को कोई पेन होता है इन्फ्लेमेशन होता है स्वेलिंग होता है और उसके कारण हमें पेन के सेंसेशन होते हैं तो उसको रिड्यूस करने का जो काम करती है वो है ये पेन किलर्स और उनके अलग अलग मेकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं तो मेनली जो पेन किलर्स की जो हम मेकेनिजम्स देखें तो क्या करती है ब्लॉकिंग द पेन मैसेजर्स और ब्लॉकिंग द पेन मैसेजेस इन अवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड की पेन की जो इंफॉर्मेशन ले जाने वाली जो न्यूरोन्स होती है या फिर नर्व होती है उसको टेम्पररी जो है वो ब्लॉक किया जाता है जिसके कारण वो मैसेज जो है वह ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉड की ओर नहीं पहुंचते अगर समझो कि यहाँ पे मुझे थम्ब इंजरी हुई है और थम्ब इंजरी के कारण जो मुझे पेन हो रहा है उसके जो सेंसेशन, ये वाली जो पेरीफेरल नर्व से कि जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो नर्व यहाँ से इस तरह से जाके स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रही है तो वो हो गया सेंट्रल नर्व से वहाँ से आगे वो ब्रेन में जाएगी और फिर वहाँ पे उस हमें पता चलेगा कि थंब की जगह पे पेन हो रहा है और उससे हमें कंटिन्यूसली हमारा जो कॉन्सियस माइंड है उसके अंदर हमें पता चलता रहेगा कि मुझे हो रहा है पेन तो यहाँ पे जो पेन है उसका मुझे चल रहा है सेंसेशन ड्यू टू दिस नर्वस सिस्टम अब पेन किलर्स ऐसे मेडिसिन से कि समझो कि पेन का जो मैसेज लेने वाली जो न्यूरॉन्स है उसको समझो कि यहाँ में किसी सेंटर पॉइंट पे हम करते हैं ब्लॉक तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड तक नहीं पहुँचती तो उसके कारण क्या होगा भले यहाँ पे पेन हो रहा है बट आपके जो माइंड है या फिर आपका जो ब्रेन है उसको वो पता नहीं चलेगा जिसके कारण क्या होगा कि आपको जो है वो सेंसेशन नहीं होगी जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द जो है वो कम हो गया है और सामने जो स्वेलिंग हुई है इन्फ्लेमेशन है वो हीलिंग की प्रोसेस तो चालू ही रहेगी हीलिंग तो चालू रहता है और समय चलते वो हीलिंग के बाद आपका जो पेन होने का जो रीज़न था वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है बट जो आपको उसके कारण जो संवेदनाएँ होती है जो आप पेन आपको होता है जो दर्द होता है उसका एहसास जो है वो हम कुछ टाइम के लिए आपके लिए कम कर सकते हैं तो जिसके कारण जो है आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं आपकी जो रूटीन काम है वो भी कर सकते हैं बिकॉज कि हमारी बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है वो तो काम करता ही रहेगा आपके पेन एंड स्वेलिंग के सामने बट उसका जो सेंसेशन है वो आपको होना बंद हो जाएगा मतलब कि एक साइड आपका बॉडी का रिपेयरिंग भी चालू रहेगा एंड साथ में आप आपका वर्क भी अच्छे से करते रहेंगे तो इसीलिए पेन किलर्स जो है वो लिए जाते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे भी तो शुरू करते हैं नेक्स्ट के पेन किलर्स तो एनालिसिक आर ए मेडिसिन देट आर यूज टू रिलीव द पेन दे आर ऑल्सो नैन एज द पेन किलर्स और द पेन रिलीवर्स कि जो मैंने आगे की भी कहा आपको कि ये मेडिसिन को हम पेन किलर्स भी कहते हैं पेन रिलीवर्स भी कहा जाता है एंड दे ऑल्सो कॉल ए एनालजिस दे ऑल्सो कॉल ए एनालिसिक दे रिलीव अवर पेन टेक्निकली द टर्म एनालिस मेडिकेशन दैट प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम पेन रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट पुटिंग यू टू स्लीव और मेकिंग यू लॉस कॉन्सियसनेस तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एनास्थेटिक्स एंड एनालिक के बीच में तो आपने देखा होगा कि जब किसी पर्सन को दिए जाते हैं तो वो क्या करता है दे विल लूज द कॉन्सियसनेस बट यहां पे विदाउट एनालजेसिक में आपको आप कॉन्सियस रहते हैं और आपके पेन सेंसेशन कम होते हैं जबकि और सर्जरी के दौरान जो हम एनेस्थेटिक्स देते हैं उसके अंदर पेशेंट को कंप्लीटली अनकॉन्सियस किया जाता है पे, पे, जो भी पेशेंट है वो कम्प्लीटली अपना लॉस करता है कॉन्शियसनेस जबकि यहाँ पे विदाउट लूजिंग द कॉन्सियसनेस यू कैन डू योर वर्क मतलब कि आपको नींद भी नहीं आती और ना ही आप आपकी कॉन्शियसनेस को लॉस करते हैं तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है पेन किलर्स का और आपने देखा होगा कि कई बार लोग पेन किलर्स लेके अपना रूटीन काम भी कर लेते हैं बिकॉज कि आप तो एक प्रॉपर कॉन्सियस रहते हैं प्लस आपको नींद भी नहीं आती तो स्लीप पे भी आपका ऐसा नहीं कि स्लीपीनेस भी नहीं होता ना ही और आप प्रॉपर रहते हैं कॉन्सियस तो कॉन्सियसनेस भी आपके अंदर है प्रॉपर एज़ वेल एज आपको नींद भी नहीं आती तो अच्छे से आपके जो रूटीन काम है वो करते रहेंगे तो स्पेशली पेन रिलीवर्स कि समझो कि आपको कोई स्टमक पेन हो रहा है और उसके कारण समझो कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई भी काम करते हैं आपका रूटीन का आप स्टूडेंट्स लाइफ में है या फिर किसी भी तरह से आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है तो जब आपको कोई पेन सेंसेशंस तो है ही बट वो जो है वो टेम्पररी होता है समझो कि दो या तीन दिन के लिए आपका वो हुआ है कोई इंजरी उसके कारण पेन हो रहा है तो उससे आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब ना हो आपके रूटीन काम में जो है वो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए हम एनालिस्क जो है वो पेशेंट को देते हैं जिससे उसका रूटीन लाइफस्टाइल भी चालू रहे और उसकी जो डिसीज है वो भी धीरे धीरे क्योर होती जाए तो एनालिस्क आर द पेन रिलीवर्स द मेडिकेशन देवर और रिलीव दाइक हेड एक तो हेडेक में भी क्या इन्वॉल्व है, कि कि है पेशेंट को तो हेडेक के अंदर भी इन्वॉल्व है वन टाइप ऑफ द पेन कि हेडेक भी एक टाइप का पेन ही है फिर सॉर मसल्स कि समझो कि आपके कोई मसल समझो कि पेन हो रहा है मसल पेन तो उसमें भी दिया जाता है इवन कुछ ऐसे कि आपको डेंटल डेंटल पेन है तो उसमें भी जरूरी है फ्ल समझो कि आर्थराइटिस है तो अलग अलग जो जॉइंट होते हैं वो आपके पेन करेंगे बॉडी के अलग अलग एचिस एंड पेन बहुत सारे अलग अलग पेन जो है वो हमें हमारी बॉडी के अंदर इवन कोई इंजरी होती है तो भी हमें पेन्स होते हैं इवन पीरियड्स के दौरान भी पेन होते हैं तो वो सभी पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल जैसे काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है देर आर मेरी डिफरेंट पेन मेडिसिन एंड ईच वन हैव एडवांटेज एंड रिस्क सभी के एडवांटेज भी है और सामने उसके रिस्क भी है रिस्क क्या है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ बिकॉज कि सेल्फ मेडिकेशन तो हमेशा ही डेंजरस रहता है प्रॉपर एडवाइस के साथ आपको कौन से मेडिसिन सूट होती है वो प्रॉपर डायग्नोसिस करवाने के ही लेना काफी समझदारी की बात है तो उसके एडवांटेज क्या है ये मेडिसिन के एज वेल well, उसके रिस्क कि जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स जिसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स तो दोनों इम्पोर्टेंट है दोनों को आपको पता होना चाहिए कि What are the advantages and what are the disadvantages? जिससे हम जो है वो ये medicines का use जो है वो limit में करें use in limit ki जब जरूरत है तो ही ले एक्सेसिव लेने का भी कोई मतलब नहीं है ना ही कोई फायदा है तो ऑलवेज यूज द medications इन ए लिमिट नॉट ओनली द पेन किलर्स कोई भी मेडिकेशंस को हमेशा लिमिट में ही यूज करनी चाहिए कि जितनी आपकी बॉडी टॉलरेट कर सके एंड जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है तो सम टाइप ऑफ पेन रिस्पॉन्स बेटर टू सन्टेन देन द अदर इच पर्सन में ऑल्सो हैव ए स्लाइटली डिफरेंट रिस्पॉन्स टू पेन रिलीव्स। अब हमें पता है कि सभी पर्सन पर्सन टू परसन कई बार मेडिसिन की इफॉक्ट जो है वो प्लस माइनस रहती है सेम लाइक दैट फॉर द पेन किलर्स डिफरेंट रिस्पॉन्स कई बार मिलते हैं हमें डिफरेंट पर एनालिक का सबसे पहले जरूरी है क्लासीफिकेशन सीखना तो एनालिसिक दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं एक है माइल्ड एनालजिसिक और दूसरे है स्ट्रॉन्ग एनालिक स्ट्रॉन्ग एनालिसिक ऐसे है कि जिनको हम ओप्योड एनालिस कहते हैं कि जो स्पेशली नार्कोटिक ड्रग्स है वो स्पेशल इक्सी है नार्कोटिक्स है या फिर उसको हम हैबिट फॉर्मिंग भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स जो कहा जाता है वो है ये कि जिनको हम कहते हैं स्ट्रोंग एनालिस्क तो यहां पे देख सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स लाइक मॉर्फिन है मैपेरिडिन है फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओपीएम का एग्जाम्पल दिया है ऑल्सो द हेरोइन एंड द कोडिन तो कोडिन हेरोइन, ओपीएम मॉर्फिन वगैरह जो ऐसे भी की जो काफी स्ट्रोंग एनाल्जेसिक है और वो नार्कोटिक्स ड्रग इसलिए आपको प्रॉपर नार्कोटिक्स ड्रग्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लगता है और बहुत ही स्पेशल केसेस के अंदर ही ये नार्कोटिक मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं कि जब ऐसे कोई स्पेशल केसेस के अंदर जब नॉर्मल एनालिशिक काम नहीं कर रहे हैं तो ही ये प्रिस्क्राइब किया जाता है वरना जो हमारे माइल्ड एनालिसिक्स ड्रग्स हैं और उसमें भी ऐसे की जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं एस्पिरिन एंड ये तीनों से जो है वो यूजली काम चल जाता है स्ट्रॉन्ग एनालिसिक लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती तो जो पेरिफेरली एक्टिंग है एनालिशिक्स कि जो है सेलेसाइलेट्स वो काफी माइल्ड है लाइक एस्पेरिन डाइफ्लूसल अदर नॉन स्टेर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर आईब्यूब्रोफेन है कीटोरोलॉक है नेप्रोक्सेन वो भी का काम करते हैं ऑल्सो द एंटीपायरेटिक ड्रग एसिटामिनोफेन तो यह है पेरीफेरल एक्टिंग की जो पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है एंड पेन सेंसेशंस को रिड्यूस करती है सेकंड आर द सेंट्रल एक्टिंग एजेंट्स एंड दे आर वीक नार्कोटिक्स वीक नार्कोटिक्स के अंदर है कोडिन है हाइड्रोकोडोन है ऑक्सीकोडोन पेंटाजोसिन है देन प्रोपोक्सीफिन तो वगैरह उसमें एगोनिस्ट है ये वाली ड्रग्स एंड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है पेंटाजोसिन फिर ट्रामोडोल के है और स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक्स में मॉर्फिन एंड मैपेरिडिन तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालजेसिक ड्रग्स जिसको हम कहते हैं पेन किलर्स की जो रिड्यूस करती है पेन की जो बेसिक यूज है ये मेडिसिन का वो है एज अ पेन किलर तो एनालजेसिक के अंदर सबसे पहले हम देखें कि नॉन ओपियोड पेन किलर्स के जो इंक्लूड है पैरासिटामोल तो पैरासीटामोल सालों से यूज होती आई ड्रग है कि जो एन एल एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है कि फीवर भी रिड्यूस करती है एज वेल एज वो पेन भी रिड्यूस करती है और ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल हो जाती है ओवर द काउंटर फॉर फ्रॉम द फार्मासीज फार्मासीज में से आपको इजीली ये मिल जाती है और ये मेन इंपॉर्टेंट ये है कि नॉन ऑप्योड ओपियोइड किलर है ये सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स का जिसमें है एस्पिरिन नेप्रोक्सेन है एंड कि जिसको हम ओवर द काउंटर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के तौर पे ले सकते हैं फिर है एसिक्लोफेनिक कि एसिक्लोफेनिक के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं एज वेल एज उसके नॉर्मल कन्वेसनल टैबलेट्स भी अवेलेबल होती है तो एसिक्लोफेनिक इज नॉन स्टेटोडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग और सालों से एसिक्लोफेनिक भी जो है वो पेन रिलीवर्स के तौर पे यूज़ होता है इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स दैट कोस पेन एंड इन्फ्लेमेशन, इनेशन एंड स्वेलिंग तो ये उसके आपको अच्छे से याद रखने कि वो ऐसे केमिकल्स को ब्लॉक करती है कि जो रिलीज करते हैं होते हैं ऐसे केमिकल मैसेंजर्स कि जो दैट कोज पेन एंड इनफ्लामेशन रेडनेस एंड स्वेलिंग अब ऐसे केमिकल की जो हमारे बॉडी के अंदर पेन इंड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन इंड्यूस करते हैं उसको ही समझो कि कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण पेशेंट को पेन में से काफ़ी रिलीफ रहता है सेम लाइक दैट सेकेंड इज़ इट इज़ ए डाइक्लोफेनिक इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिलीव द पेन स्वेलिंग एंड जॉइंट स्टिफनेस कोज बाय द आर्थराइटिस आर्थराइटिस के अंदर जो जॉइंट स्टिफनेस हो जाता है उसके अंदर भी हम ये मेडिसिन को यूज करते हैं और डाइक्लोफेनिक के जो कॉम्बिनेशन होते हैं विद पैरासिटामोल एसिक्लोफेनिक के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है पैरासिटामोल के साथ डाइक्लो का भी पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन रहता है कि जिसको हम पीसीएम कहते हैं डाइक्लो प्लस पी सी एम एसिक्लो प्लस पीसीएम इवन प्लेन भी ये अवेलेबल होती है कि विदाउट एनी कॉम्बिनेशन भी आपको डाइक्लोफेनिक भी मिल जाएगा एज वेल एज एसिक्लोफेनिक और वो है पावरफुल भी कह सकते हैं हम काफ़ी ये एसिक्लो एन डाइक्लो काफ़ी पावरफुल है और सालों से ये प्रिस्क्राइब की जा रही है फॉर टू तो रिड्यूस द पेन सेकंड है कंपाउंड पेन किलर्स की जो स्पेशली एक या दो ड्रग्स उसके अंदर कॉम्बिनेशन में होते हैं दिस इज़ व्हेन टू डिफरेंट ड्रग्स आर कंबाइंड इनटू वन दिस कुड बी पेन किलर विथ एन नॉन स्टेडोडेड एंटी इंसेंट ड्रग और एन ओपियोड पेन किलर विथ ए नॉन ओपियोड पेन किलर कि एक आपके पास ओपियोड है और दूसरा नॉन ओपियोड ऐसे भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं कि लाइक यहाँ पे हम आ, को कोडामोल का जो को कोडामोल का जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं तो जिसके अंदर फिफ्टीन एम जी जितना कोडिन है एंड फाइव हंड्रेड एम जी जितना पैरासीटामोल है तो एक जो है ड्रग वो है हमारी कोडिन तो कोडिन जो है वो ओप्योड है हमें ऑलरेडी पता है कि कोडिन जो है वो है एज अ ओपियोड पेन किलर तो एक हो गई ओपियोइड पेन किलर की कि जो है कोडिन और दूसरे साथ उसके साथ कॉम्बिनेशन में नॉन ओपियोड कि जो है ये पैरासीटामोल तो कोकोडामोल कि जिसके अंदर 15 एम रहेगा कोडिन फॉस्पेट एंड 500 हंड्रेड होगा पैरासीटामोल और ये जो है वो प्रॉपर जो फिजिशियन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसकी प्रॉपर आपको इंस्ट्रक्शंस और प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही यूज़ करनी चाहिए वैसे दूसरा एक कॉम्बिनेशन की डाइक्लोफेनेक एंड पैरासिटामोल की जो टैबलेट एस पर आई एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनालिस्क यहाँ पे लिखा आप देख सकते हैं लेबल पे तो एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एनालिक काम करता है ये डाइक्लोफेनिक एसिक्लोफेनिक और उसके साथ कॉम्बिनेशन में ओपोइड नॉन ओपोइड भी हम यूज कर सकते हैं और पेशेंट को पेन में से रिलीव कर सकते हैं तो ये था कंपाउंड पाइन किलर्स की जो कॉम्बिनेशन में रहते हैं एक ओपियोइड और दूसरा नॉन ओपियोइड फिर है पेन रिलीवर्स हेल्प टू रिड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ पेन दैट इज मसल एचिस हेड एक सॉ एंड इरेचिस द कॉमनली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन पेन रिलीवर्स इंक्लूड द एसिटामिनोफेन आईब्रोप्रोफेन नेप्रोक्सेन। उसके अलावा मैं और लिखूँ यहाँ पे उसके, उसके अंदर तो एसिक्लोफेन भी मैं लिख सकता हूँ एंड फिफ्थ वन दैट इज ए डाइक्लोफे बिकॉज हम देखते कि फैने, फैने, से कि जो इवन आई ड्रॉप के अंदर भी यूज होती है उसके जो वर्जन है कि नीपाफेनिक करके जो आती है कि जिसके आप देखोगे तो आई ड्रॉप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में और वो समझो कि किसी पेशेंट्स को आइज़ के अंदर पेन हो रहा है तो उसमें निफाफेनेक करके जो ड्रग है कि जो डाइक्लो और एसिक्लोफेनेक की ही कैटेगरी की ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं तो जितनी भी ये फिनेक वाली जो ड्रग होती है डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक, निफाफेनेक, तो वो सब पेन रिलीवर्स के तौर पे काम करती है और उसमें भी निपाफेनक जो है वो ज़्यादातर ऑपथाल के अंदर प्रीफर की जाती है आई ड्रॉप्स वगैरह के अंदर कि जब पेन होता है आपके आईज के अंदर पेन किलर्स में अलग अलग स्प्रे मार्केट में काफी फेमस है बिकॉज कि जो अलग अलग डोजेस फॉर्म की जो हम टेलर मेड कहते हैं टेलर मेड इसलिए कि पेशेंट को किस तरह के डोजेस फॉर्म जो है वो पसंद आते हैं प्लस इसमें एक दीज ध्यान रखी जाती है पेशेंट कंप्लायस एंड जो कंफर्ट स्प्रे बनाने का एक ही रीज़न है टू कम्फर्ट के समझो कि किसी को टैबलेट नहीं लेनी ना ही किसी को इंजेक्शन लेना तो ऐसे भी पेन रिलीवर से पेन किलर स्प्रे की कि जो हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारे अलग अलग ये ब्रांड्स के आपको जो है वो स्प्रे मिल जाएगी जिसके यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि लाइक ओमनीजोल का स्प्रे होता है कि जिसके अंदर लिंसिड ऑयल है डाइक्लोफेनेक है मिथाइल सेलिस मैंथल स्प्रे मैंथॉल वगैरह उसके अंदर इंक्लूडेड है फिर मल्टी पेन रिलीफ स्प्रे है ये फर्स्ट वाला उसके बाद ये अब सेकंड देखें तो उसके अंदर जो है वो डाइक्लोफेनिक ड्रग है वॉलिनी के अंदर भी सेम अलग अलग पेन रिलीवर्स ड्रग का कॉम्बिनेसन रहता है फिर ओमनी जेल का फिर से एग्जाम्पल की जो सिप्ला की प्रोडक्ट है फिर रैनबैग का वॉलनी तो ये वॉलिनी करके जो है फिर मुंह रिलीफ स्प्रे फिर बायोफ्रीज कोल्ड थेरापी पेन रिलीफ तो ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे स्प्रेज भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है कि जो एरोजल कंटेनर होते हैं स्पेशली और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इजी टू यूज़ एंड समझो कि आपको टैबलेट नहीं लेनी कैप्सूल नहीं लेनी या फिर इंजेक्शन भी नहीं लेना तो ये काफ़ी पॉपुलर है एज़ वेल एज़ उनकी साइड इफेक्ट भी रिड्यूस होते बिकॉज आप ओरल रूट से नहीं लेते डायरेक्टली टॉपिकली ये अप्लाई करते बट ये भी लिमिट में ही अप्लाई करनी चाहिए बिकॉज समझो कि आपको एलर्जी वगैरह है तो इस टाइप के स्प्रे आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उससे स्किन डिसीज़ हो सकती है तो यही बात है कि लिमिट सभी चीज़ को लिमिट में यूज़ करें तो ही बेटर है कि जिससे हमें फायदे ही हो उसके नुकसान कोई ना हो पेन किलर्स की जो अलग अलग जेल्स भी आपने यूज की होगी की जेल, पेन रिलीफ जेल मूव का भी जेल अवेलेबल है एज वेल एज हर्बल रेमेडीज के अंदर भी पेन केयर जेल्स अवेलेबल होती है वो भी नहीं जेल करके कि जिसके अंदर डाइक्लोफेनिक है डायथेलेमाइन है लिंसिड ऑयल है मिथेल सेलीसे मैंथोल वगैरह उसके अंदर इंक्लूड है आयोडेक्स भी काफ़ी फेमस है कि जो उसका जेल एज वेल एज ऑइंटमेंट भी हम यूज़ करते हैं कॉम्बी आईसी हॉट की जो सनोफी बनाती है ये जी एस के का प्रोडक्ट तो हमारी जो टॉप की जो फार्मा कंपनी से उनके से बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है कि जो पेन किलर्स जेल प्रोवाइड करती, करती है हमें ऑइंटमेंट प्रोवाइड करती है एज वेल एज दिस एरोजॉल स्प्रे तो अब बात आती है साइड इफ़ेक्ट्स की तो ये है कभी भी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए बिकॉज क्या आप एक्सेसिव अमाउंट में पेन किलर्स लेते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके अफेक्ट पड़ती है जिसके अंदर सेडेशन हो सकता है आपको आपके ब्रीथिंग भी स्लो हो सकते हैं डिपेंडेंस आ जाता है आपके ऊपर टॉलरेंस के अफेक्ट होता है और एडिक्शन भी हो सकता है और फिर आ, ट्रैक पर देखिए तो नॉन्स्टिपेशन हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग एज वेल एज आपके लीवर के ऊपर भी ये मेडिसिन अफेक्ट कर सकती है ऑल्सो द लीवर तो इस टाइप के साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना हो इसलिए प्रॉपर आपको लिमिट में ही उसको यूज करनी है तो यहां पे एक मस्त लिखा है वो देखिए पेन किलर पोज एन इमीडिएट थ्रेट टू योर हेल्थ वैन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म कि जब आप इसकी हैबिट बना लेते हैं तो जिसके कारण आगे जाके आप उसके डिपेंडेंट हो सकते हैं उसके एडिक्टेड भी हो सकते हैं लाइक कि सबसे पहले आप सेवन डेज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिक्सन कंटिन्यूसली सेवन डेज तक आप उसको यूज़ करोगे तो आप उसके एडिक्टड बन सकते हैं फिर रिडक्शन इन ब्रेन मैटर कि अगर आप 30 डेज तक आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं एंड 180 डेज तक आप उसको यूज़ करते रहे हैं तो हायर चांस ऑफ अ डिप्रेशन और उसमें भी स्पेशली जब आप ओपियोड के जो नार्कोटिक्स वाले हैं वो एक्सेसिव इस तरह से यूज़ करते हैं तो आगे जाके उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी इंक्रीज़ होती है एज वेल एज़ उसका एडिक्शन लेवल तो बहुत ही ज़्यादा है तो यही है कि डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन प्रॉपर एडवाइस के साथ ही कितने दिन तक लेनी है कितनी मात्रा में लेनी है प्रॉपर आपको जो है वो डायग्नोसिस करके ही यूज करनी चाहिए तो ये थे हमारा स्पेशली वीडियो लेक्चर्स ऑन ए पेन किलर्स की जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए आप मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे कि जो है नाइन फोर टू सिक्स वन एट थ्री सिक्स आपका नाम और एड्रेस लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जैसे में सिर्फ सिटी का नाम ही लिखना है सब्सक्राइब करिए चैनल ऑल्सो यूज द ऐप फार्मर ऑक्स एंड ऑन गूगल प्ले एप्पल आईफोन एप ऑन ऐप स्टोर You can also access the study material, taste series, and the video lecture. So, good luck and all the best.